को हुसैन नहीं मिले है, जिसको बात समझ आई कह दो सुभान अल्लाह, कि जिसको हुसैन नहीं मिले। शायर कहता है तरसे हुसैन आपको मैं जो कहूं तो बेअदब। ये बहुत बड़ी बात है। शायर कहता है तरसे हुसैन आपको, आप पानी को कहते हैं, तरसे हुसैन आपको मैं जो कहूं तो बेअदब। अरे लम से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर है। जब हुसैन पाक खैमे में गए ना, तो वहां एक जिन्नों का सरदार आया, जिन्नों का सरदार आया और अर्ज करता है हजूर अगर मुझे आपकी इजाजत हो, अगर मुझे आपकी इजाजत, आखिरी बात करके अपनी बात को मैं समेटता हूँ क्योंकि टाइम करीब है। जिन्नों का सरदार मौला हुसैन को कहता है अगर आपकी इजाजत हो, अल्लाह ताला की जात पाक ने मुझे इतनी ताकत दी हुई है कि ये जो नहर फरात है ना, जो नहर फरात बंद की हुई है यजीदियों ने, ये जो नहर फरात बंद की हुई है, मुझे अल्लाह ताला की जात पाक ने इतनी ताकत दी है कि मैं इसको खींच के आपकी तरफ, हैमे की तरफ ला सकता हूँ। तो मौला हुसैन ने फरमाया तू मुझे क्या समझता है कि मैं नवासा रसूल हो के मजलूम हूँ? ऐसी बात नहीं, आपके हाथ में एक असा था यानी कि छड़ी थी, आपने जमीन पर लगाया और ठंडा पानी के जो चश्मे थे वो उभर आए। तो सैयदा पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आपने लिखा, आपने हुक्म फरमाया नहीं नहीं आज हमने पानी नहीं पीना, आज हमारा इम्तिहान है। ठीक है, अगर हमने पानी पी लिया तो आका की जो उम्मत होगी वो प्यासी रह जाएगी है। बात करने का मकसद ये है वो मजलूम नहीं थे, वो चाहते तो जन्नत के दूध की नहरें भी करबला में आ सकती। ठीक है, आपने दीन को बचाया, ठीक है, नाना जी के दीन को बचाया और ऐसा जहन